नमस्कार दोस्तों, वीकली क्विज 9 से 15 अगस्त 2021 में आप सभी का स्वागत है इकरा आईएएस में। दिस इज मी राहुल अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 1, एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट फाउंड इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन टू राइज 41% ओवर नेक्स्ट डिकेड टू टच 194 मिलियन इन 2031। तो आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड। करेंटली केरला हैज द हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड द रिपोर्ट साइटेड डेटा फ्रॉम नीति आयोग इनपुट एंड इट इज पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट पब्लिश की है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ने। तो दूसरा स्टेटमेंट टोटली यहाँ पे हो गया आपका फॉल्स। पहला स्टेटमेंट सही है, केरला हैज द हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन, फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन का मतलब होता है 60 से ऊपर की जो जनता है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इट इज प्रोजेक्टेड टू टच 194 मिलियन 2031 में, जैसा कि क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पीएम दक्ष योजना। अंडर द स्कीम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर प्रोवाइडेड ओनली फॉर मार्जिनलाइज्ड पर्सन ऑफ एससी एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड फ्यू अदर कॉर्पोरेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों यहाँ पे पीएम दक्ष योजना में जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ना, वो प्रोवाइड किए जाएंगे एससीज को भी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी, ओबीसीज को भी, सैनिटेशन वर्कर्स को भी, मैनुअल स्केवेंजर्स को भी, ट्रांसजेंडर्स को भी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एससी और डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ओनली वर्ड यहाँ पे हो गया गलत, करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का ओनली टू, दैट इज बी। ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेस्पेक्ट टू द मिनरल सर्वेज इन इंडिया, तीन स्टेटमेंट्स हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी टू फॉर्मुलेट मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स। जीएसआई पब्लिशेस द नेशनल मिनरल इन्वेंट्री ऑफ मिनरल रिसोर्सेज वंस इन 5 years। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स ऑन द ग्रांट ऑफ द मिनरल कंसेशंस बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों मिनरल सर्वे की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है यानी कि IBM, ये एक नेशनल मिनरल इन्वेंट्री पब्लिश करता है हर 5 साल में, जिसमें मिनरल रिसोर्सेज की बात होती है। तो GSI पब्लिश नहीं करता, IBM पब्लिश करता है। सेकेंड स्टेटमेंट तो है यहाँ पे गलत, GSI नोडल एजेंसी है, ये बिल्कुल सही बात है। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायो रिमीडिएशन। ठीक है, बायो रिमीडिएशन दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन इज एडेड टू स्टिमुलेट ऑक्सीडेशन ऑफ अ रिड्यूस्ड पॉल्यूटेंट, है ना, पैरा परल्यूसीडी बाका। देन उसके बाद क्लायोक्लास्टिसिस आर सम बैक्टीरिया दैट कैन हेल्प रिमूव सेवरल क्लासेस ऑफ कंटामिनेंट्स फ्रॉम ऑयल स्पिल्स। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इनके अलावा ऑलिस्पायरा करके भी एक आता है, इट विल ऑल्सो वेरी बेनिफिटेड अगर हम बात करते हैं कंटामिनेंट्स हटाने की, तो ऑयल स्पिल से कंटामिनेंट रिमूव करने में वो भी काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड अंडर SECC इज ओपन फॉर यूज बाय एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। It is conducted under the overall coordination of the Office of Registrar General and Census Commissioner under the Ministry of Home Affairs. तो दोस्तों socio-economic caste census, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पहली बार तो ये खैर 1931 में कंडक्ट किया गया था, 2011 में भी ये कंडक्ट हुआ था। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि तीन अलग अलग अथॉरिटीज बेसिकली कंडक्ट कराती हैं, लेकिन ये हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में ये होता है। ठीक है, एंड रूरल एरियाज में जो सेंसस है वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंडक्ट कराती है। देन अर्बन एरियाज में इट इज अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। देन उसके बाद कास्ट सेंसस जो होता है इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, एंड जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि SECC में दिए जाते हैं, इट इज ओपन टू यूज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड और इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू हाउसहोल्ड्स। ठीक है, सो सारे डेटा जो है वो क्या होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन हाँ
ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे आर ओपन फॉर यूज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम. अंडर द स्कीम ऑयल पाम फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड विल गेट रेम्यूनरेशन अंडर अ प्राइस एंड वायबिलिटी फॉर्मूला. द स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द स्कीम विल बी इन सेंट्रल इंडिया ड्यू टू द कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस इन द रीजन. सो दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे. स्पेशल इम्फेसिस जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होगा, बिकॉज वहां का जो वेदर कंडीशन है वो कंड्यूसिव है. सेंट्रल इंडिया नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, पहला स्टेटमेंट सही है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ये लॉन्च किया था. इट विल इंश्योर दैट फार्मर्स गेट ऑल द फैसिलिटीज फ्रॉम क्वालिटी सीड्स टू टेक्नोलॉजी टू प्रमोट फार्मिंग टू प्रोड्यूस पाम ऑयल एंड अदर ऑयल सीड्स. सो करेक्ट आंसर है इसका ए. क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मार्बर्ग वायरस. ओके, सो मार्बर्ग वायरस आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं. इट्स अ हाईली फेटल वायरलेंट डिजीज दैट कॉजेज हेमोरेजिक फीवर विद बैट्स एज वेक्टर्स. इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज द निपा वायरस. देर इज नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रिपोर्टेड सो फार. सो गाइज, मार्बर्ग वायरस, ठीक है, मार्बर्ग वायरस उस फैमिली से आता है जिससे इबोला वायरस है, निपा नहीं. सो दूसरा गलत है. ह्यूमन टू ह्यूमन बिल्कुल ट्रांसमिशन है, तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्टेड नहीं हुआ है. एंड पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे होगा गलत, ठीक है. तो मार्बर्ग कैन स्प्रेड थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वी आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड, साथ ही साथ विद कंटामिनेटेड सर्फेस और मटेरियल एज वेल. सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी. क्वेश्चन नंबर 8, विद रेस्पेक्ट टू इसरो EOS-03 सैटेलाइट, आपके सामने तीन स्टेटमेंट है. इट्स अ जियो इमेजिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. इट इज कैपेबल ऑफ इमेजिंग द होल कंट्री 4-5 टाइम्स डेली एंड वुड इनेबल नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड साइक्लोन्स. सो दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है रिगार्डिंग दिस इसरो EOS-03 सैटेलाइट. क्वेश्चन नंबर 9, NCPCR सर्वे फाउंड आउट दैट 62.5% ऑफ स्टूडेंट्स इन माइनॉरिटी स्कूल्स बिलोंग टू नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज. आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट इग्नोर द रेगुलेशंस रेकमेंडेड बाय द स्टेट व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट इज एंटायरली इनएप्लीकेबल टू माइनॉरिटी स्कूल्स. सो दोनों स्टेटमेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस दे हैव द फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, बट दे कैन नॉट इग्नोर द रेगुलेशंस रेकमेंडेड बाय द स्टेट. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आर्टिकल 30 जो है इट वॉज नीदर एब्सोल्यूट नॉर अबव द लॉ. माइनॉरिटी स्कूल्स आर कंसिडर्ड आउटसाइड द परव्यू ऑफ द RTE एक्ट, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट्स जो होंगे वो पूरी तरीके से सही होंगे. क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू कार्बन सिंक. मैनग्रोव्स, सी ग्रास बेड्स एंड सॉल्ट मार्शेस स्टोर एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर कार्बन देन कॉन्टिनेंटल फॉरेस्ट. अकॉर्डिंग टू रीसेंट फाइंडिंग्स, अमेजन रेन फॉरेस्ट बींग द बेस्ट कार्बन सिंक इन द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग मोर कार्बन देन इट रिलीजेस. सो कार्बन सिंक, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से सही है. और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू रीसेंट फाइंडिंग्स, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज नाउ रिलीजिंग इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगा. कार्बन सिंक वो नेचुरल सिस्टम होते हैं जो कि मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करके कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं, ठीक है. सो नेचुरल में अगर हम बात करें, ट्रीज हैं, ओशन है, अर्थ है, एनिमल्स हैं, एटसेट्रा, और उसके बाद उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल कार्बन सिंक भी होते हैं. सो पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 11, टाइगर सर्वेज आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 4 years वेयर एज एलिफेंट्स आर काउंटेड वंस इन 5 years. इन इंडिया 90% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय एलिफेंट्स एंड टाइगर इज कॉमन. सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. इंडिया इज प्लानिंग टू मूव टू अ सिस्टम दैट विल काउंट टाइगर्स एंड एलिफेंट्स एज अ पार्ट ऑफ कॉमन सर्वे, ठीक है. सो टाइगर सर्वे हर 4 साल में, एलिफेंट सर्वे हर 5 साल में. सो दोनों स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 12, निंगबो पोर्ट, NINGBO, निंगबो पोर्ट ऑफन सीन इन द न्यूज. कहाँ सिचुएटेड है भाई? सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का. सो करेक्ट आंसर होगा इसका ईस्ट चाइना सी, दैट इज बी. लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट चाइना सी. और चाइना ने ये अभी शट डाउन किया था कोविड की वजह से, इस वजह से ये न्यूज में था.
क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा. द साइट सपोर्ट्स ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज इंक्लूडिंग द इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर एंड द स्टीप ईगल. सो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गाइज, इट इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ओके इन द हरियाणा एंड इट्स ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड. ठीक है, सो इट्स द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड और सेकेंड स्टेटमेंट भी यहां पे सही होगा. करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 14 विद रिस्पेक्ट टू द थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट लाइज ऑन द ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात. द वेटलैंड इज एन ओपन वाटर हैबिटेट सराउंडेड बाय क्रॉप लैंड, फेलो लैंड एंड स्क्रब लैंड विच हेल्प्स अदर मैमल्स टू को एग्जिस्ट. सो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. इट लाइज ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. ठीक है, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे जो लिखा है गलत है. करेक्ट आंसर होगा इसका बी. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द रामसर कन्वेंशन. वाधवाना वेटलैंड, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थानी क्रिक, फ्लेमिंगो सेंचुरी. सो दोस्तों तीसरा गलत है, दोनों सही है. करेक्ट आंसर इज सी. सो आज का ये सेशन हमारा होता है यहां पे समाप्त और मैं मिलता हूं आप सभी से कुछ और एमसीक्यूज लेके बहुत जल्दी.